हेलो एंड वेलकम। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स का। तो देखिए, लगातार मार्केट आप खुश हो गए। जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, 16,000 से मैं आपको बोल रहा हूँ निफ्टी ऊपर ही है, बैक 16,000। हाँ, उसके बाद थोड़ा पीछे आया, लेकिन मैंने कहा था घबराने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही है। अभी भी हम अप ट्रेंड में मिले हैं और ये हमारा 800 का टारगेट इंटैक्ट है। 803, 18,300, सॉरी 800 का नहीं, जो हमारा टच होगा ही होगा, आज नहीं तो अगले हफ्ते। आज तो हुआ नहीं, चलो कल नहीं तो अगले हफ्ते। तो इसको खरीद के चलना है। स्टॉप लॉस हमारा वही 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो बनता है लगभग 17,300 आ गया है। तो चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं, वो भी आज अच्छी क्लोजिंग हुई है, कोई घबराने वाली बात है नहीं। उसमें भी अच्छी क्लोजिंग है, अच्छी कैंडल बनी है और ये भी जा रही है अपनी 40,750 की तरफ। स्टॉप लॉस वही अपना 37,840 और ऊपर का ही लेके चलेंगे। मुझे लगता है अभी मार्केट अप ट्रेंड में ही है, थोड़े बहुत तो डिप्स आएंगे माइनर, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ये घबराने की कोई बात है नहीं, तो बाय करके ही चले। तो अपने कुछ स्टॉक देखते हैं, अपना फेवरेट इन्फोसिस। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन ये भी अप ट्रेंड में है। 1650 का हमारा टारगेट इंटैक्ट है, 1560 का इसका स्टॉप है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी हमारा अप ट्रेंड ही है, 527, और ये 540, 537 क्रॉस करते ही, 535, 37 क्रॉस करते ही इसका 556 और फिर इसका 584 का टारगेट है। टाटा स्टील देख लेते हैं। टाटा स्टील 112, 114, 15 क्रॉस करने के बाद इसका इंटैक्ट टारगेट 126 का इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस हमारा 105। टाटा मोटर्स देखते हैं आज क्या हुआ। टाटा मोटर अभी कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन एक ब्रेकआउट होते ही 900, 496 का ऊपर 540 की तरफ ये जा रहा है। आईआरसीटीसी आज काफी चला, किसी की रिक्वेस्ट आई थी, वो देख लेते हैं। आईआरसीटीसी के बहुत ही बढ़िया कैंडल बनी है, मुझे लगता है ये 840 की तरफ बढ़ रहा है और ये हमें जल्दी एक हफ्ते 2 हफ्ते में देखने को। अदानी के स्टॉक्स लगातार अप ट्रेंड में है दोस्तों। अदानी एंटरप्राइज आज भी अप ट्रेंड में है, आज भी 30-30 रुपये बढ़ के, 30-40 रुपये बढ़ के हुआ। मुझे लगता है ये भी एक मल्टी बैगेट बनने वाला और काफी ऊपर जाने वाला है, इसको भी बाय करके चलेंगे। अदानी पावर जो लगातार अपर सर्किट में है 3 दिन से, मुझे लगता है ये भी एक अच्छा स्टॉक है। पहले भी इसका 5 दिन लगातार अपर सर्किट लगा था और उसके बाद इसने थोड़ा कंसोलिडेशन किया, लेकिन अब फिर से अपर सर्किट है और अभी भी ये बाय करके ही चलेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ स्टॉक्स का। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक से मैं लगातार आपको बाय कह रहा हूँ और आज अगस्त का सेकंड वीक, लगभग 5 हफ्ते जिसने ये वीडियो देख के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके स्टॉक्स लिए होंगे, तो दमदार प्रॉफिट है। आप हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक कमेंट और शेयर करते जाइए, हमारे को फीडबैक देते जाइए। हम वो फीडबैक देख के, अगर हमें कहीं लगता है कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए, एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो करें। मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ, हमारा जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसके बेसिस पे आपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो फोर फ्रंट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। हमारी टीम साथ में है आपके लिए। धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका दिन शुभमय हो और आपको जन्माष्टमी बहुत बहुत शुभकामनाएं।